लखीमपुर में किसानों की हत्या व अखिलेश यादव को अरेस्ट करने पर अरविंद सिंह गोप ने किया धरना प्रदर्शन। दिनांक 4 अक्टूबर को जनपद बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हाफिज अयाज अहमद की अध्यक्षता में लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर बीजेपी नेताओं द्वारा बर्बरतापूर्वक हत्या के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को लखीमपुर जाने से रोकने और उनकी गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार सिंह गोप ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी करना बीजेपी को भारी पड़ेगा। किसानों के बीजेपी नेताओं द्वारा की गई हत्या की घोर निंदा करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि शहीद किसानों के परिवार वालों को 2 करोड़ की आर्थिक सहायता करें और साथ ही दोषियों को 302 के तहत फांसी की सजा हो और उत्तर प्रदेश की जुल्मी जालिम सरकार को बर्खास्त किया जाए। इस मांग को लेकर समाजवादी पार्टी ने SDM के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेगी, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रहेगी। इस मौके पर जिले के सभी विधायक, पूर्व मंत्री, जिला पंचायत सदस्य, जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी, यूथ फ्रंटल के सभी अध्यक्ष, उनके संगठन के समस्त लोग एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। TV India 18 से बाराबंकी फैजाबाद मंडल ब्यूरो चीफ हशान रजा की खास रिपोर्ट।